प्रदेश में बिजली कटौती के मद्देनजर बिजली संकट गहरा सकता है और ऐसे में राज्य में कोयले की किल्लत भी शुरू हो गई है। इससे पावर प्लांटों से बिजली का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोयले की किल्लत पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोयला संकट है। आपको बता दें कि भोपाल में प्रशासन अकादमी में सिविल सर्विस डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अखिल भारतीय सेवा के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, तभी बीच में बिजली गुल हो गई, उनका माइक भी बंद हो गया। सीएम ने मन से ही ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव का नाम लेकर पूछा, संजय दुबे हैं क्या यहां? सीएम ने कहा, अभी कोयले का भी संकट है, मुझसे कह रहे थे कि कोयले की रैक दिलवा दो। बता दें कि प्रदेश के ग्रामीण समेत कई इलाकों में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। प्रदेश में 12,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन 10,000 मेगावाट बिजली नहीं मिल पा रही। अब बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में प्रदेश में बिजली का संकट और गहराएगा। शहरों में भी अघोषित बिजली कटौती होने लगेगी। बिजली कटौती का कारण थर्मल प्लांट चलाने के लिए पर्याप्त कोयला नहीं मिल पाना है। अब ऐसे में दूसरा पावर जनरेटिंग कंपनी ने प्रदेश के हिस्से की बिजली दूसरे राज्यों को बेचनी है, तो वहीं बिजली प्लांट में भी क्षमता के अनुसार बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। सभी लोक सेवकों को बधाई, और हम सब जानते हैं कि चुनी हुई सरकार नीति बनाती है, योजनाएं बनाती है, उसका क्रियान्वयन। तो व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिए गए हैं। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जिस प्रोग्राम में गए हों, अपना संबोधन दे रहे हों और अचानक से बिजली कट हो जाए, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी बात भी रखी और व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। और जो बिजली कंपनियों के MD हैं, उनसे बातचीत मुख्यमंत्री ने की है। तो आने वाले वक्त में क्या बिजली का संकट गहरा सकता है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि इसको पहले से ही दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। कोयले की जो उपलब्धता है उसकी जानकारी भी ली जा रही है कि आखिर आने वाले वक्त में कितना उत्पादन बिजली का होगा और कितनी जरूरत पड़ेगी, व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, इस पर लगातार अब काम किया जा रहा है। तो अधिकारियों को निर्देशित मुख्यमंत्री ने किया है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करिए। कोयले की उपलब्धता की भी जानकारी ली है मुख्यमंत्री ने। हमारे साथ ब्रजेश जैन जुड़ गए हैं संवाददाता फोन लाइन पर, जो अपडेट करेंगे इस पूरी खबर को। ब्रजेश बताइए, बिजली का कितना संकट है मध्य प्रदेश में और व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त कर रहे हैं अधिकारी? ब्रजेश देखिए, अगर पूरे देश की हम बात करें तो इस वक्त 1.5% का अंतर आ गया है बिजली की डिमांड और सप्लाई में। और अगर हम अगस्त की पिछले साल की बात करें, जब पूरे देश में अंधेरा छा गया था, बिजली संकट छाया था, तब 1% का गैप था। लेकिन अब स्थिति गंभीर है, क्योंकि 1.5% का ये गैप आ गया है। 12 राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट गहराता जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा असर नहीं है अभी, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई बिजली संकट किसी तरीके के ना हो भविष्य में, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित भी कर रहे हैं और बैठकें भी कर रहे हैं। और सीएम ने आज MD से बात करके ये निर्देश दिए हैं कि जो कोयले की उपलब्धता है उसका रैक एक्स्ट्रा रखें, और कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, किसी भी तरीके का बिजली का फेलुअर ना हो, पार्ट्स दुरुस्त रखें, मेंटेनेंस बराबर रखें, कहीं किसी तरीके की अघोषित कटौती ना की जाए। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, और ये तमाम निर्देश इसीलिए हैं कि कहीं भी बिजली की संकट जो अन्य देशों में, जिस तरह गुजरात और महाराष्ट्र में अघोषित बिजली कटौती देखने को मिल रही है, वो मध्य प्रदेश में वैसे हालात उत्पन्न ना हो, इसलिए पहले से ही ये प्रिकॉशनरी तमाम व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। जब कंपनियों के MD से बात की है, तो क्या उनसे जानकारी ली गई और क्या बातचीत हुई है, कोई अपडेट इस बारे में? विजेश देखिए, कोयले की उपलब्धता को लेकर जानकारी ली गई है कि कितना कोयला अभी स्टॉक में है, कितने कोयले की आवश्यकता भविष्य में लग सकती है और कितना गैप आ रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर अब जो राज्य सरकार है वो केंद्र से भी बातचीत कर रही है, और ये डिमांड कर रही है कि मध्य प्रदेश को कोयले की किसी तरह की कोई कमी ना हो, एक्स्ट्रा रेक भी मंगाए जा रहे हैं। ब्रजेश, मुख्यमंत्री भी एक प्रोग्राम में थे और अपना संबोधन दे रहे थे, वहां पर बिजली कट हो गई थी? बिल्कुल, देखिए सुबह प्रशासन अकादमी में एक कार्यक्रम था, वहां मुख्यमंत्री के उद्बोधन के दौरान बिजली गई थी, और तभी ये मुद्दा उठा था। मुख्यमंत्री ने जानकारी भी दी है कि जो 12 राज्यों में बिजली संकट है, उसके तहत मध्य प्रदेश में कहीं कुछ
दिक्कत आ सकती है, लेकिन दिक्कत ना आए ये तमाम प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, पहले से ही कोयले की उपलब्धता की जा रही है। शुक्रिया ब्रजेश आपका जानकारी और बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।